हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो हम करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास का, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो जो बुक्स आपकी अभी स्कूल में चल रही है उसे ही हम लोग कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान का जो इतिहास है, भूगोल है और आपकी जो पॉलिटी है वो बहुत अच्छे से दी हुई है, और हर एक क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आगे जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें रीट प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप देखिएगा, 60 में से आपके जो हैं 57-58 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं बुक्स में से जो हैं वो पहले भी आए थे और अब भी आएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है वो वही है, अभी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा रीट का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, जहां लेवल 1 के 90 मार्क्स पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के, तो वो आपके इन्हीं बुक्स में से आएंगे, आरबीएससी की बुक्स में से ही आएंगे। और लेवल 2 के जो कि 70 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं वो भी इन्हीं बुक्स में से आने वाले हैं। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम, जो कि अनुमान है कि आपके जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है उससे पहले ही आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा सेकेंड ग्रेड का, तो उसमें आपके 80 मार्क्स जो है वो इन्हीं बुक्स में से आने वाला है, आरबीएससी की बुक्स। और इसके अलावा जो अभी स्कूल में आपकी चल रही हैं, जिन्हें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इन्हीं में से आएगा। इसके अलावा आप देखिए, फर्स्ट ग्रेड का प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर सहायक, आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी अभी एग्ज़ाम होंगे वहाँ आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आप देखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, ठीक है। तो इन बुक्स को जो है वो बिल्कुल भी आप ऐसे ना समझें कि इन बुक्स में से जो है वो आपका एग्ज़ाम नहीं आता है, या फिर आप कोई गाइड खरीदें, गाइड खरीदने की गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। इन बुक्स को ही आप लोगों को पढ़ना है, और जो लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं वो इन क्वेश्चन आंसर को फॉलो करें, पीडीएफ लें, ताकि आपका कम से कम समय में जो है वो आपका पूरा सिलेबस कवर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखें, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन था? मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन था? तो इसका सही आंसर है मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर। तो मेरों द्वारा जो आबाद क्षेत्र का जो भूभाग था, इस पर मेवाड़, मारवाड़ और ये अजमेर, इसके अंतर्गत ये आता था, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन 2, मेर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? मेर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1818 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मेर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1818 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो वह था कर्नल जेम्स टॉड। कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। भील कौन से कर वसूला करते थे, जो अधिकार उनसे बाद में छीन लिया गया? भील कौन से कर वसूला करते थे, जो अधिकार उनसे छीन लिया गया? तो ये बोलाई कर और चौकीदारी कर, तो ये वसूला करते थे, और जो कि अधिकार जो है इनसे अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 5 है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना जो है वो कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है वो 1941 ईस्वी में हुई। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन आंसर को आप देखें और याद करें, क्योंकि आपके पास देखिए, यदि आप रीट प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास लगभग जो है वो 2.5 महीने का ही समय है, जहां आपको आरबीएससी की जो सभी बुक्स हैं 6 से 10 तक की, वो आपको अच्छे से जो है वो लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। उनकी क्वेश्चन आंसर पीडीएफ यदि आपने लिए हैं तो आप अभी से ही जुट जाएँ और उनको याद करें, क्योंकि एक क्वेश्चन भी जो है वो आपका बाहर नहीं जाएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कोई भी कि हमें जो है केवल 60% मार्क्स ही लाने हैं, क्योंकि आप यदि 120-110 लेकर चलोगे तभी आपके जो है वो 90 नंबर आएंगे, ठीक है। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो इसका जो मुख्यालय है वह खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। नेक्स्ट देखें, गोविंदगिरी कहाँ के मूल निवासी थे? गोविंदगिरी कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये बेड़सा गांव डूंगरपुर के निवासी थे। गोविंदगिरी बेड़सा गांव डूंगरपुर के निवासी थे। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? तो वे बंजारा जाति से संबंधित थे।
गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वे साधु राजगिरी थे। कौन थे? साधु राजगिरी थे। अगला देखिए, गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की? गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की? तो इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। फिर देखें, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र जो है वह कौन सा स्थान था? तो वह था बेड़सा डूंगरपुर। कौन सा था? बेड़सा डूंगरपुर। गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। गोविंद गिरी को जेल से रिहा करने के बाद किन राज्यों में प्रवेश निषेध था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि गोविंद गिरी को जेल से रिहा करने के बाद किन राज्यों में प्रवेश निषेध था? तो सूंध, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर राज्य। तो इन राज्यों में जो है वो प्रवेश वो नहीं करेंगे, ऐसा जो है उनको कहा गया था। ठीक है, उनको जो है आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन बाद में जो है जब लोग जो है उनको बाहर निकालने के लिए जो है आंदोलन करने लगे तो उनको 10 वर्ष की सजा हुई। फिर 7 वर्ष की जो है बाद उनको जो है रिहा कर दिया गया, इस शर्त पर कि सूंध, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्य में जो है वो प्रवेश नहीं करेंगे, इससे जो है वो बाहर वो रहेंगे। कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो इन्होंने झालोद गांव, पंचमहल जिला और अहमदाबाद संभाग, यहां पर अपना अंतिम समय जो है व्यतीत किया। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ये ओसवाल बनिया थे। कौन थे? ये ओसवाल बनिया थे। देखिए, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी और ऐसा हमेशा करूंगी कि स्टूडेंट को कम से कम परेशानी हो और उनको अधिक से अधिक जो है वो मटेरियल मिल सके। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से जो है ये क्वेश्चन आंसर सीरीज वो आप लोगों के लिए चलाई गई है। मोतीलाल तेजावत ने किन्हें संगठित किया? तो इन्होंने गिरासिया और भील जो थे इनको संगठित किया था। सरकारी नौकरी छोड़ मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय प्रारंभ किया? सरकारी नौकरी छोड़ मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय प्रारंभ किया? तो इन्होंने परचून की जो दुकान होती है तो वहां पर कार्य करना प्रारंभ किया। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? तो इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत की। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए? किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध जो है वो मजबूत किए? तो वह था चित्रे विचित्रे का मेला। ठीक है, चित्रे विचित्रे का जो मेला था इसके माध्यम से मोतीलाल तेजावत आदिवासियों से जो है सामने मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और अपने संबंध जो है वो मजबूत बनाते हैं। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया? उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया? तो सिरोही को जो है उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको कैसे याद होंगे, वीडियो जो है वो आप स्टार्टिंग से एंड तक जो है वो लगातार ऐसे सुनिए जैसे कि आप कोई गाना सुन रही हो। ठीक है, जब आप वीडियो को जो है 2-3 बार सुन लेंगे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो अभी से ही जो है इनको याद करना शुरू करिए, चाहे आप लोग जो है यहाँ पर लिखिए, चाहे बुक में से आप अपने नोट्स बनाइए, चाहे आप पीडीएफ लीजिए, लेकिन अभी से ही याद करना शुरू करिए क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है, क्योंकि आपको राजस्थान के जीके के अलावा सिलेबस में और भी टॉपिक जो है वो करने होंगे। ठीक है, सिलेबस जो है रीट मेंस का जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा है,
इसी तरीके से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर राजस्थान का जीके जो है, आरबीएससी बुक जो है, इनको आप जल्द से जल्द जो है वो कवर करें। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया और मासिक भत्ता दिया गया? मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया और मासिक भत्ता दिया गया? तो उदयपुर रियासत जो है, इसका जो प्रशासन है, इसने इनको रोका। राज्य में मीणा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? राज्य में मीणा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जहाजपुर परगना से हुई। राज्य में मीणा विद्रोह जो है, इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? तो जहाजपुर परगना से होती है। और ये कहाँ है? ये उदयपुर राज्य में है। 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट जो है, इसके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब की गई? तो 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं रेजिमेंट, इसको जो है वो समाप्त कर दिया गया 1921 में, और इसके स्थान पर जो है वो मीणा कोर की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये चीज़ है वो ध्यान में रखेंगे कि 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये था ब्यावर में, और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर था? मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये खेरवाड़ा उदयपुर में था। कहाँ पर था? खेरवाड़ा उदयपुर में था। तो इस तरीके से आपका जो अध्याय 4 है, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो है वो निकल कर आए हैं। और ये 25 क्वेश्चन आपको इतने अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन जो है वो इग्नोर नहीं करना है, और ऐसा नहीं करना है कि ये आपको याद ना रहे, कैसे भी आप इसको जो है वो याद करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।